हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को क्लियर वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो बच्चों, अभी हमने समझ लिया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बाय मॉडर्न भी और ट्रेडिशनल भी। हमने काफ़ी सारी जर्नल एंट्रीज अपनी समझ भी ली है। आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जर्नल एंट्रीज हम क्लियर करने वाले हैं, जो कि है बैड डेट्स। बैड डेट्स रिलेटेड सारी एंट्रीज आज हम समझेंगे कि बैड डेट्स हम कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, हमारा लॉस है हम कैसे उसको बुक्स में डालते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। देखो, अब ना ये जो है बैड डेट्स को लेकर, अब मैं ऐसे नहीं है कि एंट्री रटवा दूं, पहले एंट्री करके दिखा दूं, नहीं, पहले हम लेंगे इलुस्ट्रेशन, हम एंट्री खुद बनाएंगे जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन जनरल। सोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, ठीक है। रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन द रुपी ऑन अ डेट ऑफ 1000, क्लियर। क्या बोल रहा है वो? हमारा सोहन था, जो हमारा कोई डेटर होगा वो हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया घोषित हो गया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, उसने हाथ जोड़ लिए, ठीक है भाई। अब रिसीव फ्रॉम इज ऑफिशियल रिसीवर, हमने रिसीव किया फर्स्ट और फाइनल डिविडेंड 60 पैसे रुपी में, मतलब अगर 1 रुपया बनता है तो वो 60 पैसे देगा, क्लियर। और हमारा कितने के डेट्स खड़े थे? 1000 रुपए के, ऑन अ डेट ऑफ रुपीज 1000, मतलब 1000 पे करना था हमारी बुक्स में। उसकी हमारी बुक्स में उसकी लेनदारी कितनी खड़ी है? 1000। देखो मैं सिंपल सा बताती हूँ, मैं कहीं गई, मैंने किसी को सोल्ड आउट किए 1000 रुपी किसी ABC को, वो मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मैडम मैं तो दिवालिया घोषित हो गया, अपने ऑफिशियल रिसीवर को लिया है कि ये, उसने कह दिया कि मैडम ये दिवाली घोषित हो गया, ABC कंपनी आपको कुछ नहीं दे पाएगी। अरे कुछ तो दो, ठीक है। तो उसने क्या किया, 60 पैसे दे दिए 1 रुपए में, ठीक है, मतलब 60 पैसे दे दिए 1 रुपए में, तो 1000 में मतलब 600 रुपए दिए होंगे उसने। तो वो कह रहा है कि 600 रुपए ले लो आप 1000 में से, मेरे पास 600 रुपए ही देने के लिए है, मैं इंस्टॉलमेंट हो गया, जो 400 रुपए है ना वो मैं नहीं पे कर पाऊंगा, प्लीज अपनी बुक्स में भी वो मेरे खत्म कर दो। देखो हमने जो पिछली क्लास में एंट्री पढ़ी थी वो भी काइंड ऑफ सेम थी, उसमें क्या था, हम इंटेंशली दे रहे थे, वो इसलिए हम उसको किस में कंसिडर कर रहे थे कि वो मेरा डिस्काउंट गिवन और रिसीव था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो, देखो कंक्लूजन सेम ही आएगा, 1000 रुपए में से 600 रुपए मुझे मिल रहे, 400 रुपए मुझे मिल नहीं रहे, क्लियर। लेकिन उसमें मैं विलिंगली दे रही थी, उसमें मेरी इंटेंशन थी देने की, मैं उसको खुद ही ऑफर कर रही थी कि तू ये ले ले पैसे, कि तू डिस्काउंट ले ले, तू मुझे कम दे दियो। इस केस में क्या है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो खुद नहीं दे पा रहा, मैंने उसको कुछ ऑफर नहीं किया, वो खुद नहीं दे पा रहा। 1000 रुपए उसके बनते थे, 1000 रुपए सोहन के बनते थे, वो कह रहा है 600 रुपए ही दूंगा, 400 रुपए नहीं दूंगा, 1 रुपए एक 60 पैसे में, 60 पैसे दूंगा 1 रुपए में, ठीक है भाई, क्लियर। हमें इलुस्ट्रेशन क्लियर हो गया, मैंने सोहन को माल बेचा। देखो इलुस्ट्रेशन क्लियर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने सोहन को माल बेचा, मैंने सोहन का माल बेचा, वो दिवालिया घोषित हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि मैं 1 रुपए में 60 पैसे दूंगा और उसका 1000 रुपए खड़े है हमारी बुक्स में, ठीक है, समझ आ गई। 1000 रुपए थे, 600 रुपए आए, 400 रुपए नहीं आए, इंटेंशनली दिया मैंने उसको, डिस्काउंट का नाम नहीं आएगा, तो किसका नाम आएगा? देखो एक बैड डेट्स एक वर्ड है, डेटर्स मेरे बैड हो गए, सही नहीं निकले, गुड नहीं निकले, बैड निकले, तो मैंने इसी वर्ड से इनको ज्वाइन करके एक वर्ड बना दिया बैड, और इसका मैंने ले लिया डेट, क्लियर। ये डेटर्स मेरे बैड निकल गए, अच्छे नहीं निकले, तो मैंने डेटर्स को बैड घोषित कर दिया कि ये वाले जो मेरे डेटर्स है ये बैड है। अब देखो बैड डेट्स है, ये मेरा क्या है, ये मेरा लॉस है,
लॉसेस ही है मेरा कि मुझे ये बैड, अगर डेटर्स मेरे बैड घोषित हो गए तो मेरा डेट लॉस है, लॉस होते तो क्या मैं करती हूँ डेबिट। दोनों ही अप्रोचेस के हिसाब से, ट्रेडिशनल के हिसाब से भी, ट्रेडिशनल में क्या होता है नॉमिनल भैया टिक टिक लगा ले, और लॉस मेरे सारे किसमें आते हैं डेबिट में। ऐसे ही अगर मैं मॉडर्न अप्रोच के साथ देखूं तो मॉडर्न अप्रोच में क्या है, ये क्लियर टर्म में एक्सपेंस में आएगा, एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो मैं क्या करती हूँ डेबिट करती हूँ। दोनों से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, बैड डेट्स जो मेरे गंदे डेटर्स निकल गए, जो मुझे पैसे देने के लिए मना कर रहे हैं, उसका मैंने नया नामकरण कर दिया, ये मेरे बैड डेट्स है। क्लियर? अब अगर आपके पास कोई ये बोलेगा कि इन बैड डेट्स है तो ये सोच तो नहीं सोचोगे ना ये कौन सी नई टेक्निकल टर्म आ गई। समझ गए? जो डेटर्स मेरे गंदे निकल गए उसको मैंने एक नामकरण दे दिया मेरे बैड डेट्स है, और बैड डेट्स है तो मेरे क्या है, मेरे लॉसेज है, इनसे मुझे पैसे रिकवर नहीं होंगे। अगर लॉसेज है तो मेरा क्या आएगा, डेबिट आएगा। तो सिंपल, सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हमारे अकाउंट कौन कौन से हिट होंगे। क्लियर? बना लिया आपने बैड डेट्स की एंट्री? समझ गए बैड डेट्स होते क्या है? बिल्कुल क्लियर। देखो अब तीन चीजें हमारे हिट कर रही है। क्या क्या हिट कर रही है मेरा? एक तो सोहन हिट कर रही है। सोहन मेरा क्या है, डेटर्स है। डेटर्स मेरा क्या आ रहा है, घट रहा है। हमारे बुक्स में सोहन के 1000 रुपए खड़े हुए थे, अब कितने रह गए? अब मुझे अपनी बुक्स में खत्म करने हैं उसके, माइनस करूंगी कम करूंगी ना, तभी तो जाके वो खत्म होंगे। तो डेटर्स क्या हो रहा है मेरे, कम हो रहे हैं। डेटर्स कम होते हैं तो मेरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। दूसरा मेरा क्या हिट हो रहा है, कैश। कैश मेरे पास आया है, कैश बढ़ता है, एसेट बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है। तीसरा मेरा क्या है, बैड डेट्स। वही हम क्या करेंगे, कंपाउंड एंट्री बनाएंगे भाई। सिंपल एंट्री बना के तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट है हमारा, फटाफट कंपाउंड एंट्री बनाएंगे, हमें पता तो है ही क्या क्रेडिट होना है क्या डेबिट होना है। बैड डेट्स मेरे क्या है, मैंने ऊपर बताया था मेरे लॉस है तो हम बैड डेट्स को डेबिट करेंगे। क्लियर? समझ गए? अब देखो सोहन है, सोहन के बनते कितने थे, 1000 रुपए बनते थे। कैश उसका कितने का आया, 1000 में से 1 रुपी में से उसने 60 पैसे दिए है तो मेरा कितना आया, 600। और बैड डेट्स कितने के हो, जो पैसे मेरे को नहीं मिलेंगे वो है मेरे 400 के। सिंपल एंट्री है। तो 2 मिनट की छुट्टियों का काम है आपका बनाने का। डेट वही इन द बुक्स ऑफ पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री मेरी क्या है, इसमें देखो हमारे रजिस्ट्रेशन में डेट मेंशन नहीं हो रखी तो मैं डेट का कॉलम ब्लैंक छोड़ देते हैं, मैं वही ऊपर से लेती रहती हूँ। मुझे डेबिट क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स डेबिट टू सोहन, कैश मेरा कितने का आया, 600 का आया, बैड डेट्स मेरे कितने हैं, 400 के हुए, और सोहन मेरा कितने से खत्म हुआ, 1000 से। क्लियर है एंट्री? अब मेरी क्या होगी, नरेशन बीइंग रिसीविंग आ कैश डिविडेंड ऑफ 60 पैसे मिले हैं इन द रुपी आउट ऑफ हिज डेट ऑफ रुपीज 1000 फ्रॉम सोहन ऑन हिज अकाउंट। क्लियर? देखो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री थी, मेरी बुक्स में मोहन खड़ा था 1000 रुपए का, वो हो गया इंसॉल्वेंट, उसने मुझे कह दिया कि मैं आपको 1 रुपए में से 60 पैसे ही दे सकता हूँ। डैट मीन्स उसके 1000 रुपए बुक्स में खड़े थे तो मुझे 600 रुपए देगा, 400 रुपए नहीं दे रहा।
तो हमने डेटर्स को बैड कर दिया घोषित, डेटर्स को बैड करके हमने एक नया वर्ड बनाया, उसका नाम हमने नामकरण क्या किया, बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब मेरे लॉस है, मुझे वो पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे 400 रुपये नहीं मिलेंगे, हाय तो भाई मेरे साथ क्या हो गया, अब लॉस होगा तो मैं क्या करूंगी, डेबिट करूंगी। सोहन मुझे बुक्स में पूरा खत्म करना है, 1000 रुपये से कैश मेरे को 600 रुपये आया, बैड डेट्स मेरे 400 रुपये हो गए, ये मेरी सिंपल सी एंट्री बन गई है, कैश अकाउंट डेबिट 600 रुपीज, इन बैड डेट्स डेबिट 400 रुपीज टू सोहन 1000। क्लियर, नेक्स्ट एंट्री चले, सिंपल है। अब आपको बैड डेट्स की एंट्री भी आ गई। नेक्स्ट मेरी एंट्री है, मोहन हु ओव्ड मी 2000 हैज फेल्ड, ही पेज मी अ कंपेंसेशन ऑफ 50 पैसे इन द रूपी। मोहन ने मुझसे लिए थे उधार पे 2000 रुपीज, लेकिन वो फेल्ड हो गया देने के लिए। अब उसने मुझे कॉम्पोजिशन पे करने के लिए सिर्फ 1 रुपए में से 50 पैसे दिए है, वही सेम है बिल्कुल, ऊपर वाली चीज है बिल्कुल। उसके 2000 थे अकाउंट में, हमारे अकाउंट में उसके 2000 थे, हमें 2000 लेने थे, वो क्या कह रहा है, मैं फेल्ड हो गया नहीं दे पाऊंगा, मैं 50 पैसे दे पाऊंगा 1 रुपए में, 1 रुपए में 50 पैसे, मतलब 50% पे करेगा, मतलब 1000 पे करेगा वो 2000 के उससे, तो ठीक है वही सेम एंट्री होगी हमारी। क्लियर है, हमें कैश कितने का मिला, देखो मैं हर बार आपको डेबिट क्रेडिट बताऊंगी ना तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, तो और हम आगे आगे और अच्छे इलस्ट्रेशन में टाइम वेस्ट कर देंगे। देखो तो मैं हर चीज में आपको ये नहीं बता रही कि कैश इस रूल के साथ जाओ, मैं छोटा सा इन मतलब बिल्कुल हल्का सा एक्सप्लेन कर दूंगी जिससे आप उस चीज को क्लिक कर जाओ कि हाँ ये इसमें कौन सा वाला रूल है। मतलब पहले अगर मेरी एंट्रीज देखो ना, मैंने एक एक चीज लिख रखी है, कैश ये रियल में आता है तो इसमें एक वर्ड कम्स इन वर्ड गो आउट कौन सा हिट होगा, फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बिल्कुल इन डेप्थ बता रखा है, सेकेंड वीडियो थर्ड वीडियो में ना मैंने क्या किया, मैंने नए नए इलस्ट्रेशन लिए और थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है कि जिससे आपको बेस मैंने बनाई थी आपका, तो हम थोड़ा सा फास्ट चल पाए जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज कवर हो पाए न्यू। देखो वो सेम ही एंट्री है, कैश हिट हो रहा है, कैश आ रहा है मेरे पास, कैश मेरा क्या एसेट है, रियल है, तो मेरा क्या आएगा 1000 रुपीज। बैड डेट्स नहीं आएगा भाई, लॉस है मेरा, लॉस हमेशा क्या होता है डेबिट होता है, 1000 टू नाम क्या था, मोहन अकाउंट डेबिट। देखो बिल्कुल सेम वही है, और बींग रिसीविंग अ कैश कॉम्पोजिशन ऑफ 50 पैसे इन द रूपी फ्रॉम मोहन आउट ऑफ अ डेट ऑफ 2000। रिसीविंग अ कैश कॉम्पोजिशन ऑफ 50 पैसे इन द रूपी फ्रॉम मोहन आउट ऑफ अ डेट ऑफ 2000। देखो क्लियर है, क्या था इस केस में, मोहन ने हमसे उधार ले रखे थे 2000 रुपए, वो फेल हो गया देने के लिए मोहन, तो वो सिर्फ 50 पैसे दे रहा है, तो हमने एंट्री कर दी हमारे पास कैश कितना है 1000 रुपए आया रियल अकाउंट के पास आसे इनने, बैड डेट्स कितने थे मेरे 1000 रुपए, ये मेरा लॉस है, मोहन क्या है मेरा डेटर्स है, उससे मुझे पैसे लेने हैं वापस, तो मेरा वो 2000 आ गया, मोहन भी खत्म हो गया, मोहन का अकाउंट बिल्कुल खत्म हो गया हमारी बुक से। अब देखो नेक्स्ट मेरा क्या है, कैश रिसीव्ड हुआ है बैड डेट से जो कि हमने रिटर्न ऑफ कर दिए थे लास्ट ईयर, रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700। इसका क्या मतलब हुआ, हमने कैश रिसीव किया है 700 रुपए का उन बैड डेट से जो कि हमने रिटर्न ऑफ कर दिए थे लास्ट ईयर में। क्लियर, मतलब कि देखो हमने लास्ट ईयर में क्या किया था, एक बैड डेट्स थे, कोई डेटर्स होंगे उन्होंने हाथ जोड़ लिए होंगे कि मैं नहीं दे पा रहा, मैंने उसको गंदे वाले डेट मान के
बुक्स में डाल दिया खर्चा, यही बोल रहा है। और अब वो क्या हाथ जोड़ के आ गए कि जी मेरी तो मेरी हालत सुधर गई, तो मैं आप उसको आपको कैश देने के लिए तैयार हूं 700 रुपए का। तो देखो पहले मैंने क्या किया था, बैड डेट्स को डेबिट किया था क्योंकि ये मेरा गेन लॉस था, तो मैंने क्या किया था, इसे डेबिट किया था। अब मेरा क्या हो रहा है, ये मेरे को बैड डेट्स आ गया मेरे पास पैसे देने के लिए, तो मेरा क्या है, गेन है, गेन है, तो मैं क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी और इसको क्या नाम दे दूंगी, बैड, जो मेरे बैड गंदे वाले डेट्स है वो मुझे रिकवर्ड हो गए, नया अकाउंट खोल के बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये मेरा क्या है, गेन है और इसलिए मैं क्रेडिट करूंगी। अब देखो सिंपल सी एंट्री क्या होगी इसकी, मेरे पास पैसा आया, कैश आया, वो यही बोल रहे हैं ना कि रिसीव कैश फॉर बैड डेट्स, तो मेरे पास क्या हुआ, पैसा आया तो मैं कैश आया, कैश है, सेट है, आता है तो मैं क्या करती हूँ, डेबिट कैश अकाउंट डेबिट 700, बैड डेट्स गंदे वाले डेटर से मेरे को रिकवर्ड हो गए। बीइंग कैश रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेट्स विच वर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, क्लियर। अब देखो इस इलस्ट्रेशन में हमने क्या पढ़ा, इस इलस्ट्रेशन में पहले तो मैंने घाटा भी करा दिया कि मेरे डेटर्स ने मेरे से पैसे ले रखे है, वो इंसॉल्वेंट हो गया तो वो बैड भी घोषित हो गया। थर्ड ट्रांजेक्शन में उसने कहा कि बैड डेट्स उनकी हालत अच्छी हो गई, सिचुएशन सुधर गई, तो उन्होंने मेरे पैसे पे, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, जब अच्छा कंडीशन आ जाए, अच्छा टाइम आ जाए तो हमारे पैसे भी लौटा जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो बैड डेट्स हो गए वो हो ही गए, वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे ही तो हुआ, प्रीवियस ईयर में 700 रुपए का मैंने घाटा मान लिया था, इस साल मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने उसको इनकम की तरह क्रेडिट कर दिया और कैश आ गया, तो मेरी एंट्री बन गई सिंपल सी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड 100 रुपीज। क्लियर।